आज हम बनाएंगे हम सबकी फेवरेट और क्रीमी रेसिपी फिरनी। एकदम सिंपल तरीके से हम इसे बनाएंगे एग्जैक्ट मेज़रमेंट के साथ। तो चलिए फिरनी बनाना स्टार्ट करते हैं। फिरनी बनाने के लिए हमें चाहिए 50 ग्राम चावल, जिसे हमने सोक करके रख दिया है आधे से एक घंटे के लिए। चावल सोख हो चुके हैं, अब हम इसका पानी अलग करके मिक्सर ग्राइंडर में कोर्सली ग्राइंड करेंगे। फिरनी बनाने के लिए चावल को हम दरदरा ही पीसते हैं, जिससे फिरनी थोड़ी सी थिक बने। चावल ग्राइंड हो चुके हैं, अब हम लेंगे पैन में 1 लीटर दूध। मीडियम हीट पर हम इसे चलाते रहेंगे और एक बॉयल आने देंगे। एक बॉयल आते ही हम इसमें चावल के पेस्ट डालेंगे। पेस्ट डालते समय हमें ये बात ध्यान में रखनी है कि हम इसे धीरे धीरे करके डालेंगे, अदरवाइज़ ये बॉटम में जा कर के चिपकने लगते हैं। पेस्ट डालते समय दूध को चलाते रहें। दूध को पकाते समय बर्तन के साइड में जो मलाई बनती है उसे भी हमें वापस से दूध में मिक्स कर देना है। फिरनी को क्रंची बनाने के लिए हम इसमें डालेंगे कटे हुए ड्राई फ्रूट्स, जैसे काजू, बादाम, पिस्ता। आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं। खुशबूदार अरोमा के लिए हम डालेंगे कार्डमम पाउडर। हीट को हम मीडियम ही रखेंगे और चलाते रहेंगे। फिरनी को अच्छा कलर देने के लिए हम डालेंगे सैफरन के कुछ थ्रेड्स, जो कि ऑप्शनल है। लो हीट पर रखकर हम इसे तब तक पकाएंगे जब तक कि चावल अच्छे से कुक ना हो जाए। फिर हम इसमें ऐड करेंगे 4 टेबल स्पून ऑफ शुगर। शुगर की क्वांटिटी को आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। टेस्टी और क्रीमी फिरनी बन करके तैयार है। अब हम इसे फ्रिज में रख करके ठंडा करेंगे। फ्रिज में रखने के बाद फिरनी अच्छे से सेट हो चुकी है, अब हम इसे सर्व करेंगे। घर की किसी भी पार्टी में या फेस्टिव सीजन में आप फिरनी को बना सकते हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।